हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी अदाएं 90 के दशक में कहर डालती थी, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई नामी अभिनेताओं के साथ काम किया और जिन्हें अमिताभ की दूसरी पत्नी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं रेखा की, जिनकी रियल लाइफ विवादों से भरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक किसके नाम पर सिंदूर लगाती है रेखा, क्यों इन पर अपने पति को मारने का इल्जाम लगाया जाता है और अब रेखा पे बाइसेक्सुअल होने का भी दावा किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। लेकिन उससे पहले पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, रेखा और विनोद मेहरा की शादी के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जो आज भी प्रचलित है। जब ये दोनों कोलकाता में शादी करने के बाद मुंबई पहुंचे तो रेखा का स्वागत चप्पलों से किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि रेखा की सास कमला इस शादी के लिए बेहद नाराज थी और जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी तो तुरंत उनकी सास ने उन्हें धक्का दे दिया और उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल भी उठा ली और घर से बाहर निकाल दिया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेखा के माथे का सिंदूर आज भी एक राज बना हुआ है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर किसके नाम का सिंदूर लगाती है रेखा। दरअसल जब एक बार ऋषि कपूर और नीतू की शादी में जब रेखा पहुंची तो उन्होंने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया हुआ था और इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन अपनी फैमिली के साथ पहुंचे, जहां रेखा की सफेद साड़ी, लाल बिंदी और सिंदूर को देख सब हैरान हो गए। लोगों का तो ये भी मानना था कि रेखा और अमिताभ ने भी इसी दिन शादी की थी और उन्हीं के नाम का सिंदूर रेखा अब तक लगाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेखा की शादी के एक साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली थी और कहा जाता है कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे को गले में बांधकर सुसाइड किया था, जिसके बाद मुकेश के परिवार और फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों ने रेखा को काफी कोसा था। और अब बात आती है सेक्रेटरी फौरजाना से रेखा के संबंध की। आपको बता दें कि रेखा को अक्सर पार्टी, इवेंट और यहाँ तक के संसद भवन में भी इस लेडी के साथ देखा जाता है। और हाल ही में लॉन्च में रेखा के जीवन पर आधारित एक बुक भी लिखी गई, जिसका नाम है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें रेखा की निजी जिंदगी के बारे में काफी राज सबके सामने खोले हैं, जिसमें रेखा के बाइसेक्सुअल होने का भी दावा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, रेखा के साथ अक्सर दिखाई देने वाली इस लेडी का नाम है फरजाना और दोनों के संबंधों को लेकर अक्सर अटकलें लगाई जाती हैं। और बुक के मुताबिक इनके सेक्सुअल संबंध उनकी सेक्रेटरी फरजाना से हैं और इतना ही नहीं, उनके पति की हत्या का कारण भी फरजाना को ही माना जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रेखा ने अपने पति को मरने पर मजबूर किया था? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।